ऐसे काम सिर्फ तब हो सकते हैं जब आप फैमिली के साथ, बीवी के साथ आते हैं, उस टाइम पे खजाने को नुकसान हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस हसनैन वगैरह के साथ आके इधर पर रुकने का कोई जवाब नहीं। Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be in best of your mood. Good morning from Hunza. क्या मज़ेदार आज हुंजा का मौसम है यार। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था, ईगल नेस्ट में स्टे किया है। हुंजा की जो ओवरऑल वाइब है बहुत मज़े की। कल सनी था, आज क्लाउडी है, दोनों मौसम यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेजेंट है, अनबेरेबल बिल्कुल भी नहीं है, रश वश बिल्कुल भी नहीं है। ईगल नेस्ट में यह है कि होटल फुली ऑक्यूपाइड है, ज़्यादातर फॉरन टूरिस्ट यहाँ पर ठहरे हुए, लेकिन उससे मेरे एक्सपीरियंस पर कोई क्लैश नहीं आया। मज़ा आ रहा है, वट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस स्टेइंग विद देम। बहुत आला इन्होंने सर्विस दी है, हर चीज़, किचन इनका मजबूत है, तो बार बार कल से जब से हम आए हैं, मेरे ख्याल से कल शाम से लेके अभी सुबह तक कम से कम 9 से 10 दफ़ा डिफरेंट ऑर्डर्स कर लिए होंगे। ऐसे लग रहा है कि हम शायद इनके किचन टेस्ट करने पे आए हों, क्योंकि फैमिली साथ है, फिर बार बार मुख्तलिफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब क्योंकि फैमिली के साथ ट्रिप है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होता, उन्हें भी टाइम देना होता है। और फिर जब से हुंजा आया हूँ तो काफ़ी जानने वाले लोग भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो सारा कुछ मिक्स एंड मैच चल रहा है, थोड़ी थोड़ी साथ व्लॉगिंग भी चल रही है। मैंने कहा चलो ना करने से, ना रिकॉर्ड करने से तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ आपके साथ भी शेयर होता रहे। यार एक तो आज मौसम बहुत मज़ेदार है, माउंटेन्स विद अ लॉट ऑफ क्लाउड्स, सही प्रॉपर फील आ रही है। निकले तो हम 3-4 दिन से वो ट्रिप पे, लेकिन आज ऐसी फील, ऐसी वाइब है, ईगल नेस्ट को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है। एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ परफेक्ट, अमेजिंग व्यू, इतना आला है। आप यहाँ पर बैठ के कुछ भी करें, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, किताब पढ़ें, बुड्ढों की तरह कमरे में बैठे रहे, पर्दा साइड पर करके कुजी माहौल से चुप करके बाहर देखते रहे, इवन डैट इज़ अ ट्रीट। आज अब निकल के आगे अताबाद जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों का जो मंज़र बना हुआ ना यार, अमेजिंग। ये वो सीन होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप एक्चुअली फील करते हैं माउंटेन्स वर कॉलिंग आई हैड टू कम। ये हमारा 1 HTFT जो है वो 1 घंटे से स्टार्ट करा, क्योंकि ख्वातीन जो है उन्होंने कहा था कि 10-15 मिनट में निकलेंगे, लेकिन 1 घंटा हो गया। ट्रैवलिंग के बारे में मैं हर चीज़ इन्जॉय करता हूँ, एक छोटी चाय की प्याली से लेके ये पहाड़, बादल, सारा कुछ जो मैं आपको कहता हूँ। लेकिन अब जो मैं बात करने लगा ना, सिर्फ मेरे ओवरलैंडर्स दोस्त ही इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होता है ट्रैवलिंग के बारे में, एवरीथिंग इज़ मेंट टू बी इन्जॉयड एंड सेलिब्रेटेड। लेकिन जिस वक्त आप अपने SUV में आके डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं ना कि यार अब मैं इसको फिर से चलाऊँगा, मेरे नज़दीक मेरे ट्रिप में सबसे बेस्ट क्लाइमेक्स, सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट इन्जॉय करने वाली चीज़ वो है, एंड आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट, जितना मर्जी हो जाए। अच्छा, आई वॉज ऑल सेट टू लीव, लेकिन मैंने सोचा यार निकलने से पहले टांगों को थोड़ी सी तकलीफ दे देता हूँ। काफ़ी दफ़ा लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ ना, तो मैंने ये ईगल नेस्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा ऊँचा है ईगल नेस्ट पॉइंट, ईगल नेस्ट होटल यहाँ पे, और इधर से हम थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक करके ऊपर जाते हैं। इस एरिया में जो मैक्सिमम ऊंचा पॉइंट है वो ये, इसका नाम ईगल नेस्ट पॉइंट है, और होटल से हमें सिर्फ इस साइड का व्यू आ रहा था। इस पॉइंट से हमें पूरा 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आएगा, तो मैंने कहा यार चक्कर लगा ही ले। क्या ज़बरदस्त फील है यार, क्या नज़ारा है। दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे आप खड़े हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप यहाँ से नीचे देखें, टेक ऑफ पॉइंट है, बाजू खोल लें, ट्रस्ट योर विंग्स टू फ्लाई। जो मेरे पायलट दोस्त है, कभी इधर उड़ाओ ना जहाज, फिर तुम्हें पता चले ऐसे नज़ारों में। शायद उड़ाते भी हो, मैं कौन सा बताते हैं, ना बताते ना बिठाते हैं। यहाँ से सर ये पीछे व्यू देखें आप,
एंड देन यू जस्ट मूव 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 चारों तरफ देखें, पीक से पीक से। सो ग्लैड मैं आ गया यहाँ पे, सुस्ती नहीं की मैंने, क्या मज़ेदार फील आ रही है। बिल्कुल पहाड़ों से वो कहते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब होने कैसे मज़ा। वैसे यूजुअली जनरली जब आप आते हैं ये जगह बड़ी क्राउडेड होती है, पहले मैं जितनी दफ़ा आया हूँ बड़ा रश वश होता है यहाँ पे, अभी बिल्कुल खाली है। दरिया की आवाज़ आ रही है नीचे से, हवा की आवाज़ आ रही है, बादलों की मूवमेंट हो रही है। मेरी जो मिनीमग वाली वीडियो थी ना, उसमें मैंने कहा था कि यार मैं नेचर लवर हूँ और जब मैं इस तरह की जगहों पे जाता हूँ वापसी पे मैं और पक्का मुसलमान हो जाता हूँ। खुदा की तखलीक को देख के खुदा की खुदाई का मतलब महसूस करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला से इश्क भी होता है और अल्लाह ताला से डर भी लगता है, तो बड़ी मज़ेदार फीलिंग आती है। मुझे अभी एक बात याद आई, मेरे एक दोस्त से उनजा के ही है यहाँ के, तो वो एक दिन बैठे मुझे बता रहे थे, कहते हैं देयर वाज अ जापानीज कपल, और असल में ये वाला पॉइंट चढ़ाया भी गोरों नहीं था और फॉरेन टूरिस्ट ने ना, वो यहाँ पे सनराइज सनसेट देखने के लिए आते थे। तो देयर वाज अ जापानीज कपल, उन्होंने उसको कहा कि सनराइज़ देखने के लिए हमने इस पॉइंट पर आना है। तो सुबह सुबह अंधेरे में अर्ली जीप स्टार्ट की, उठ के यहाँ पर आ गए, इधर खड़े हुए। जब इधर खड़े हुए और सनराइज़ होना शुरू हुआ तो माई फ्रेंड टोल्ड मी कि वो दोनों रोने लग गए, आंसुओं से रोने लग गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो उसने थोड़ी देर जब रो लिया उसके बाद पूछा कि क्यों आप लोग इतना इमोशनल और क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने कभी खुदा को देखा है? तो मतलब वैसे एक सरसरी सा उसने दोस्त ने जवाब दिया कि नहीं खुदा को देखा नहीं। तो उसने कहा कि ये देखो, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि वो भी खुदा की तख्लीक को देख के इतना इमोशनल हो गए। जब आप तख्लीक देखते हैं तो फिर आप खालिक का सोचते हैं, फिर आप इमेजिन करते हैं। तो नेचर मुझे इसलिए भी पसंद है कि यार ये आपको ना अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ होती है, एंड इट रियली बड़ी सोलफुल चीज़ है, इट कनेक्ट करती है आपको क्रिएटर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बहुत खूबसूरत है, हम नीचे निकल रहे हैं और दुईकर विलेज जो है ना वो इस टाइम पे एप्पल के ट्रीज़ और फसलें हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो मेरी वाइफ ने कहा उसने कभी पम्पकिंस नहीं देखे थे लगे हुए, तो हम वो देखने के लिए शुरू करें। So many of them, ये पूरी फील्ड में जगह जगह पर नजर आए। नीचे जा रहे थे, रास्ते में बड़ा क्यूट सा जूस का स्टॉल नज़र आया, पम्पकिन भी पड़े हुए थे, मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा यार ऑर्गेनिक जूस भी ज़रा ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, रुकते रुकते चले जाए, हमें कौन सी जल्दी है। बस दो जूस बना दीजिएगा यार। अब कलर्स देखो, फ्रूट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मज़ेदार वाइब्रेंट, और ऊपर से ऐसे मौसम के साथ तो फिर और ही नेक्स्ट लेवल चल रहे। एंड बिफोर वी लीव फॉर अहताबाद, जाने से पहले हमने सोचा कि एक फोर्ट भी विजिट करते जाते हैं, मौसम अच्छा है, अल्तेत फोर्ट से व्यू वगैरह बड़ा मज़ेदार आ रहा है।
थोड़ा सा लेट हो गए। आइडिया ये था कि सनसेट से पहले हम यहाँ पे पहुँचे। आज अताबाद पे जो हमारा स्टे है वो ये एक बहुत ही फेबुलस किस्म का नया रिजॉर्ट बना है, फेमरे रिजॉर्ट। लास्ट टाइम जब मैं अताबाद आया था फैमिली के साथ तो लेक्सस में स्टे किया था, तो इस दफ़ा ये एक नई चीज़ थी, प्लस माई फादर ऑल्सो रिकमेंडेड दिस, तो मैंने कहा यहाँ पे भी स्टे करके देखते हैं। सीम्स रियल गुड, रियल नाइस, एंड आई विल शेयर द फर्दर एक्सपीरियंस विद यू गाइस। सो आई विल जस्ट गिव यू गाइस रूम टूर। डोर बंद कर लेते हैं पहले, बाहर ज़रा हल्की सी ठंड है। और अच्छा काम इन्होंने ये किया था हमारे आने से पहले वेलकम टी रूम में पहुँचा दी। रूम इज़ ऑल गुड, सुपर नाइस, बिल्कुल वो जैसे फाइव स्टार होटल्स नहीं, उनके रूम्स मेंटेन्ड होते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे, बड़ी परफेक्शन का एहसास हो रहा है। अभी तो ये रिजॉर्ट वैसे नया बना है, बाहर अंधेरा है, सारी ग्लास विंडो है, कर्टन्स साइड पे होंगे, आपको अताबाद बेग का यहाँ से बेड से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आएगा। एक दफ़ा देख भी लेता हूँ कि इस वक्त कैसा व्यू आ रहा है। ये डोर है, खुलता है अंदर को, बाहर आप निकलते हैं तो बड़ी क्यूट सी स्पेस है बालकनी की, और कर्व है इसका, जो पूरी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो एक कर्व में है। साइड पे स्टोन्स का ये जो वॉल बना हुआ है, डायरेक्टली इसके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, लेकिन डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि आप एक जगह पे खड़े होते हैं तो आपको मल्टीपल फ्लोर्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज नज़र आ रहे होते हैं। और ये एक टेरेस बेड है, सेटिंग अरेंजमेंट्स चीज़ें बनी हुई हैं, वो सामने जो है वो सारी लेक है। ये ट्रीज़ बड़े प्यारे लग रहे हैं इस टाइम पे लाइट के साथ लिट होके, पीछे सारा बैकग्राउंड ब्लैक है, सुबह यहाँ से पहाड़ नज़र आएगा, नीचे लेक नज़र आएगी। सो फार सो गुड। और इसके साथ वाला इमीडिएट रूम भी हमने लिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट दिस प्लेस इज़ नाइस यार, सुपर नाइस। और मतलब फील जो इसकी आ रही है ना, वो एक तो टेम्परेचर बड़ा मज़े का हुआ है, कारपेट इटसेल्फ, रग्स वगैरह, इनकी क्वालिटी इतने मज़े की फील हो रही है ना, व्हेन यू वॉक ऑन देम दे आर सुपर सॉफ्ट कम्फी, वो बड़ा आपको ना कुशनिंग कुशनिंग वाला फील आता है। रेफ्रिजरेटर LED वगैरह, और बाकी रूफ़ का डिज़ाइन, सीलिंग ये वुड का बहुत अच्छा ब्लेंड है इंटीरियर डिज़ाइन के साथ। लाइट्स जो है वो छोटी छोटी मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं। मैं हमेशा हर जगह जाके ना सराने का रंग देख के होटल का आइडिया लगा लेता हूँ। इट्स ऑल गुड, अपने हिसाब से भाई सेट है। और फिर इस एरिया में यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं कबर्ड के लिए, ये वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम भी चेक कर लेते हैं, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक। हेलो जी, वॉशरूम इज़ नाइस एज वेल, साफ है, बहुत साफ है, ये चीज़ बेस्ट है क्योंकि हर चीज़ जो है वो सुपर क्लीन है, नाइस, गुड इनफ। सो गाइस, दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ रिजॉर्ट, वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, डिज़ाइंड, बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़ हैं, बाहर व्यू शू नज़र आ रहा है इस वक्त तो नहीं है, लेकिन दरख्तों की काफ़ी तेज़ स्ट्रॉन्ग विंड है, उसकी साउंड बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा गाइस, देयर इज लिटिल बिट चेंज ऑफ प्लान, पहले मैं आपको चेंज दिखाता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमने रूम कर लिया चेंज और अब हम आ गए हैं किंग स्वीट में। एंड गाइस, दिस इज किंग स्वीट। कैसे चेंज किया हमने रूम और क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ, पहले टूर भी कराता हूँ। ये है इसकी वार्डरोब स्पेस यहाँ पे, इसमें क्योंकि किंग स्वीट है स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, वार्डरोब्स भी ज़्यादा हैं। ऑन दिस साइड यू हैव अ क्वाइट नाइस बिग वॉशरूम, नीचे वाले पहले वाले से इसका थोड़ा सा वैनिटी डिफरेंट है, बेडरूम से ग्लास है और साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सारे पैसे जो इसके हैं वो ये है कि यू हैव वेरी लार्ज विंडोज़, बड़ा व्यू आएगा, एंड दिस जकूजी इन द मिडल साइड पर ये बेड है विच इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, और विंडो आ जाती है वॉशरूम वाली साइड पर, वर्किंग डेस्क है, और यहाँ पर है सेटिंग स्पेस, LED है, कॉफ़ी टेबल है, दूसरा टेबल है। तो हुआ यूँ था कि आई गॉट रिकमेंडेड दिस प्लेस फ्रॉम माई डैड, और हम लोग यहाँ पहुँचे, मैंने आके पैनोरामिक सूट में चेक इन कर दिया, मुझे नहीं पता था कि किंग साइज की सूट जो है वो इतनी ज़बरदस्त, एंड देन ही कॉल्ड मी एंड पूछा कि किधर हो,
मैंने उन्हें बताया तो he said like why you not staying in King Suite. फिर मैंने King Suite आके देखा और उन्होंने already manager को call कर दी थी तो हमने switch कर लिया इसमें. And I was so surprised कि इतनी जबरदस्त location के ऊपर क्या 5-star level की चीज बनी. नीचे वाले room में मैं कहता कि 5-star feel आ रही है but this place actually this thing is totally 5-star. ये वाला जो पूरा suite है इसका ये charge करते हैं 45,000 rupees per night. ऐसे काम सिर्फ तब हो सकते हैं जब आप फैमिली के साथ बीवी के साथ आते हैं. उस टाइम पे खजाने को नुकसान हो जाए तो कोई मसला नहीं है. बस हसनैन वगैरह के साथ आके इधर पर रुकने का कोई जवाब नहीं बनता. अगेन बाहर अभी इस वक्त व्यू तो नहीं आएगा लेकिन आई जस्ट ओपन इट अप थोड़ा सा बाहर देखते हैं. तो इसकी बालकनी कुछ इस तरह से है. यहाँ पे वुडन चेयर्स पड़ी हैं और अगेन यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त व्यू है. जब सुबह आएगा तो फिर ज़्यादा मज़ीद पता चलेगा क्योंकि ये पेंट हाउस स्वीट है तो ये लास्ट फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है. पहले हम नीचे वाले फ्लोर पे थे. इधर स्वीट में वैसे बंदा आ जाए ना तो इधर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. सारा कुछ अंदर ही मौजूद है. दिल ये कह रहा है कि बंदा हफ्ते के लिए अंदर ही बैठा रहे. बार बार रूम सर्विस से खाने आते रहे. टीवी नेटफ्लिक्स वगैरह मुझे कोई देखने का शौक नहीं है. किताबें पढ़ूं यहाँ बैठ के अपनी बेगम से बातें करूं. दैट्स ऑल आई वांट.